अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, सोचा आज मैं बाज़ार जा ही रही थी तो आपके लिए एक ब्लॉग ही बना लूं। आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही थी जहां आपको हर चीज़ रीज़नेबल भी मिलेगी और अच्छी भी। आज मैं फिर ये मिनिसो की शॉप पे आई थी, मुझे पता चला था कि यहाँ पे कुछ मेकअप पे 50% डिस्काउंट थी और कुछ और चीज़ों पे भी, तो मैंने कहा चलो मैं भी चेक करती हूँ क्योंकि यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, एक्सपेंसिव इतनी नहीं होती। दूसरी शॉप पे भी इसी रेंज में हमें चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन इनकी ये होता है कि ये अच्छी प्रोडक्ट होती हैं सारी की सारी। चले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये मेकअप देख लें, ये शीट मास्क हैं, कुछ ऑयली स्किन के हैं, कुछ ड्राई के, कुछ कम्बिनेशन स्किन के थे, मतलब 4 से 5 किस्म के वहाँ पे ये शीट मास्क जो आज कल निकले होंगे पड़े हुए थे। इनकी यूजिंग का तरीका मैं आपको बताऊँगी या मूवीज में। तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आप देखें आगे, इन में से कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट है था लेकिन कुछ चीज़ें ओरिजिनल प्राइस में ही लगी हुई थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसे हम डेली बेस पे यूज़ भी करते हैं, लेकिन यह है कि हम बाहर से ले लेते हैं, एक महीना भी वो चीज़ें नहीं निकलती तो वो ख़राब हो जाती है। एक अच्छी प्रोडक्ट की चीज़ ली हो तो वो मतलब काफ़ी टाइम निकाल जाती है। तो ये देखें, ये नेल फाइलर वगैरह आप मैनीक्योर पेडीक्योर में अगर घर में करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें सारी वो थी। होम रेमेडी जैसे हम यूज़ करते हैं घर में, तो मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और ये देखें, ये ऐसी बॉटल्स थी जिसमें हम टोनर बना के, रोज़ वाटर वगैरह की जो बोतलें होती हैं ना, ये इस तरह की बनी हुई थी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी और मज़बूत थी। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब लेडीज हजरात की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। ये देखें, ये बहुत अच्छा होता है जब आप मसाज कर रहे होते हैं, ये वाइब्रेट होता है, मतलब इसके अंदर कुछ सेल डलती है जिससे ये वाइब्रेशन करती है। तो अगर आप पार्लर वगैरह नहीं जाते तो आप घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर लेके रखते तो आपको फिर ये होगा कि पार्लर में ना भी जाएँ, घर में भी एक कहीं जा रहे हैं एक छोटा फेशियल आप घर में कर सकते हैं। ये देखें, ये भी ऐसा ही है, फेस क्लीनर बना हुआ है। इसकी यूजिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी क्लींजिंग ले गए या मसाज क्रीम लेके फेस पे लगा दें, तो उसके बाद इसी फेस क्लीनर से या मसाजर से आप अपने फेस को क्लीन कर लें। तो ये एक आईलाइनर पेंसिल है, इसके 3 in 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब काजल भी है, आईलाइनर पेंसिल भी है, आईब्रो पे भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, मैंने खुद भी यूज़ की है। इसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि ये मुझे चेक करवाएं, तो वो लेडीज थी मुझे चेक करवा रही थी। इसके अंदर वो कह रही थी एक सेल डलता है जो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। ये हल्का सा ब्रश था जो आप अपने नेल पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों पर भी मार सकते हैं, पाँव पर भी मार सकते हैं। ये देखिए, ये आईब्रो पूरी किट है कि आप अपने आईब्रो को सीधा कर सीधा और डार्क कर लें, चाहे आईब्रो बना लें तो भी बना लें। ये देखिए, उसने मुझे दोनों चीज़ें ये चेक करवाई थी कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे बुक्स वगैरह भी थी अच्छे अच्छे बच्चों की, और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बच्चों के खिलौने हैं, बहुत प्यारे कलर में थे, जो कलर बच्चों को अट्रैक्ट करें ऐसे कलर में वहाँ पे बच्चों की चीज़ें थी। बहुत अच्छी शॉप है, हर चीज़ है जहाँ पे। तो मैं अक्सर यहाँ से मतलब जो मैं पार्लर से रिलेटेड जो आम यूजिंग घर की रेमेडीज़ वगैरह बनाती हूँ उनसे रिलेटेड चीज़ें मैं यहाँ से लेती रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको भी बताऊँ कि आप इतने ज़्यादा पैसे रोज़ रोज़ लगाते हैं तो एक ही दफ़ा लगा के पैसे अच्छी चीज़ ले लें। तो ये चीज़ें अगर आपके घर में होगी तो आपको कोई नहीं होगा, आपने सुबह कहीं जाना है, आप जल्दी जल्दी अपने फेस को फ्रेश भी कर सकते हैं, फेस मास्क लगा सकते हैं। मैं स्टिचिंग भी करती हूँ तो मुझे स्टिचिंग के लिए ये बहुत अच्छा बक्स लगा था, मैंने सोचा आपको भी बताऊँ। इसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग हुई थी, लेडीज़ और जेंट्स के कपड़े थे, तो मैंने कहा बाहर निकले हुए हैं तो चलो ये भी देख लें। चले मैं आपको भी दिखाती हूँ, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी।
काफ़ी अच्छा प्लाजा था। सबसे नीचे वाले प्लाजे में इन्होंने जूते वगैरह रखे हुए थे, जितने भी लेडीज़, एक साइड पे लेडीज़ शूज़ थे, एक साइड पे जेंट्स शूज़ थे, और ऊपर वाला जो था उसमें सारे लेडीज़ हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं, कैजुअल भी आए थे इसमें, फैंसी भी आए थे, पार्टी ड्रेस भी आए थे। देखिए आपके मैंने फैंसी ड्रेस कुछ देखे, मेरी सिस्टर की शादी थी आगे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आइडिया ले लूँ कि फैंसी ड्रेस कैसे हैं आजकल फैशन में। वैसे तो कोरोना की वजह से सब शादियाँ लेट ही हुई हैं। ये मिड वाला पोर्शन था और सबसे ऊपर उन्होंने जेंट्स वाले कपड़े रखे हुए थे। मैंने जेंट्स भी देखे हैं, अपने बेटे के लिए लेना था तो मैंने कहा चलिए ये भी वैरायटी चेक कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। उसके बाद हमने खाना खाया तो बस फिर वापस आ गए, काफ़ी टाइम हो चुका था इस वक्त। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।